आप बताइए। जी भुजावन सिटी रिव की बात आ रही थी, बड़ी खुश है। शाबाश, बैठ जाइए। समकोण त्रिभुज का एक मुख्य कोण कितने डिग्री का होता है? रितिका आप बताइए। शाबाश, बैठ जाइए। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? सुनैना आप बताइए। शाबाश, आप बैठ जाइए। त्रिकोणमिति से आप क्या समझते हैं? गोबन आप बताइए। कोई बात नहीं, बैठ जाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम त्रिकोणमिति में कोण की सहायता से किस प्रकार एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करते हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तथा इससे जुड़े हुए प्रश्न को हल करेंगे। टॉपिक नहीं लिखा इसने। त्रिकोणमिति फोटो की शक्ति, इसके नाम से ही पता चल रहा है, त्रि यानी कि तीन, कोण और मिति, मिति का मतलब होता है मापन, यानी कि तीन भुजाओं की आकृति में जब हम कोण का मापन करते हैं तो उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में मुख्यतः समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज है जिसका एक मुख्य कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे कि मैंने एक ही त्रिभुज बनाई, इसका ये कोण 90 डिग्री का होगा। इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसकी सतह वाली रेखा को हम आधार कहते हैं। आधार के ऊपर जो 90 डिग्री की रेखा खींची जाती है उसे हम लंब कहते हैं, और ये जो तिरछी रेखा है लंब और आधार के बीच, इसे हम करण कहते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज की मुख्य तीन भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है करण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। आइए अब हम त्रिकोणमिति को चार्ट की सहायता से समझते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, एक पेड़ का चित्र बनाया गया है और इस पेड़ पर कुछ फ्रूट जो है वो लगे हैं, कुछ फल जो है वो लगे हैं। मान लेते हैं कि विकास जो है वो इस पेड़ की तरफ देख रहा है। अब विकास यहाँ पे खड़ा है और ये ऊपर की तरफ जो है वो देख रहा है, इन फलों को तोड़ने की इच्छा ये करता है। पेड़ से लेके जहां तक ये विकास खड़ा है उस दूरी को हम आधार कहेंगे, इस पेड़ की ऊंचाई को हम लंब कहेंगे, और जहां पे ये विकास खड़ा है वहां से जो तिरछी नजर में इस फ्रूट को देख रहा है इसे हम करण कहेंगे। तो अब हम विकास की मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सीढ़ी लगानी पड़ेगी तभी हम इस फ्रूट को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। त्रिकोणमिति में अन्य कुछ सूत्रों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि एल ए एल के ए ए, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। एल यानी कि लंब, ए यानी कि आधार, और के यानी कि करण। हम इसको अशांति भाषा में याद रख सकते हैं, लाला आम लाया कहो कब आया। तो यहां से इसका एक सूत्र जो है वो बन जाता है एल ए एल के ए ए, एल ए एल के के ए। ये जो एल बटा के है ये साइन को दर्शाता है, ए बटा के जो है ये कोस को दर्शाता है, और एल बटा ए ये टैन को दर्शाता है। त्रिकोणमिति में हम इन तीनों सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे विकास ऊपर की दिशा में देख रहा है, तो जब भी कोई व्यक्ति ऊपर की दिशा में देखता है उस समय जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति यहाँ से नीचे की तरफ देखेगा, जैसे अगर इसको फ्रूट उतारने हैं ये ऊपर तो चढ़ गया, लेकिन जब ये नीचे की तरफ देखेगा तो उस कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। विकास आप आगे आइए। जैसे कि अगर आप
पंखे को देखते हैं ऊपर की दिशा में, तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। शाबाश। और जैसे अगर आप खिड़की से नीचे अपने दोस्त को अगर हेलो करते हैं, आप नीचे देख रहे हैं, तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। शाबाश, आप बैठ जाइए। अब हम त्रिकोणमिति को मॉडल की सहायता से समझेंगे कि किस प्रकार त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक घर बनाया गया है। मान लेते हैं ये घर शबनम का है, तो शबनम जो है वो काफी अमीर है क्योंकि दो दो गाड़ियां यहाँ पे उन्होंने अपने घर में रखी हैं। और शबनम को जो है वो अपनी घर के छत के ऊपर जो है वो एक भारत का झंडा लगाना है। अब जब ये भारत का झंडा लगाएंगी तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से ये सीधे ही घर के ऊपर चढ़ जाएंगी, इनको एक सीढ़ी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से वो क्या करेंगे, एक सीढ़ी यहाँ पर लगाएंगे। जैसे ये सीढ़ी अगर यहाँ पे लगाती है तभी भारत का झंडा जो है वो इस छत के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे कि ये है, तो यहाँ से ये शबनम सीढ़ियों में ऊपर की तरफ जाएगी और भारत का झंडा यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हम इस सीढ़ी की लंबाई को ज्ञात करेंगे। त्रिकोणमिति की सहायता से किस प्रकार इस सीढ़ी की लंबाई को ज्ञात किया जाता है। अभी एक घर यहाँ पे है और शबनम यहाँ पे खड़ी है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो उसको हम आधार कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाली जो नीचे वाली जो लाइन है इसे हम आधार कहते हैं। ये जो घर की ऊंचाई है, ये जो घर की ऊंचाई है इसे हम लंब कहते हैं। ये जो घर की ऊंचाई है इसे हम लंब कहेंगे। और जब ये एक सीढ़ी यहां पे लगाई जाएगी तो इसे हम करण कहते हैं। तो आप मुझे ये बताइए ये कौन सी त्रिभुज यहाँ पे बन रही है। नेहा आप बताइए। समकोण त्रिभुज। शाबाश, आप बैठ जाइए। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रही है और हम इस समकोण त्रिभुज से त्रिकोणमिति की सहायता से हम इस सीढ़ी की लंबाई को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ घर से लेके शबनम की दूरी जो है जब हमने मापी तो 6 मीटर की दूरी थी, यानी कि आधार जो है वो हमें पता लग गया कि वो 6 मीटर है। जब ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि अब यहां से देखेंगे, जब ये शबनम यहां से ऊपर की दिशा में देख रहे हैं तो एक कोण का निर्माण हो रहा है जिसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन या फिर अवनमन कोण को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसी एक डिवाइस देखी होगी, हिंदी में हम इसे चांद भी कहते हैं क्योंकि चांद की तरह ये लगता है। इसको डी प्रोटेक्टर कुछ भी बोल सकते हैं। तो जैसे ये जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहां से हम आसानी से इसके कोण को माप सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि अगर ये 30 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, तो जब हमने इसके कोण को मेजर किया तो ये कोण जो है वो 60 डिग्री का हमने माना। जो कोण है वो हमने 60 डिग्री का माना। अब देखिए यहां पे हमें सिर्फ इस समकोण त्रिभुज की एक ही भुजा का मान पता है जो कि है आधार। अगर हमें इसकी दूसरी अन्य भुजाओं को ज्ञात करना है तो हम कोण की सहायता से अन्य भुजाओं को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए जो हमने सूत्र पढ़े उन्हीं का हम उपयोग करेंगे। तो इसमें हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं, जैसे कि एल ए एल के, के, के। ये सूत्र है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आधार दिया गया है, यानी कि एक आधार यहाँ पर है और एक आधार यहाँ पर है, तो सिर्फ इन्हीं दोनों सूत्रों का हम उपयोग कर सकते हैं।
और जो कोण है वो हमारे पास 60 डिग्री दिया गया है और हमें सीढ़ी की लंबाई को निकालना है। सीढ़ी की लंबाई यानी कि जो तिरछी रेखा है उसे हम करण कहते हैं, तो हमें करण निकालना है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला जहां पे आधार हम भर सके और करण हम निकाल सके, तो आधार यहां पे भर सकते हैं और यहां से करण निकाल सकते हैं। तो आधार बटा करण जो है ये फॉर्मूला होता है कोस थीटा का, और थीटा का मतलब होता है कोण। ये फॉर्मूला है आधार बटा करण का। अब इस फॉर्मूले में हम सारी की सारी वैल्यूज को भर देंगे। कोस थीटा बराबर है आधार बटा करण। कोस थीटा का मान यानी कि 60 डिग्री बराबर है, आधार है 6 मीटर और करण हमें निकालना है। अब कोस 60 का मान मुझे बताइए, ऋतिक आप बताइए, मोहित आप बताइए, हाँ 1/2, शाबाश आप बैठ लीजिए। ऋतिक अब आप बताइए कोस 60 का मान कितना है, 1/2, शाबाश आप बैठ लीजिए। कोस 60 का मान है 1/2 बराबर है 6 मीटर बटा करण। तो करण हम आसानी से निकाल सकते हैं, करण का मान आया 12 मीटर, यानी कि त्रिभुज की भुजा जो है, जो करण है वो हमने 12 मीटर ज्ञात। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस शबनम को यहाँ पे भारत का झंडा लगाना है तो 12 मीटर की सीढ़ी ले आनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे भारत का झंडा लगा सकते हैं।